जिम्बाब्वे दौरे के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया तो उसमें एक नाम शामिल नहीं था जिस पर सबकी निगाहें गई, वो थे केएल राहुल। और अब केएल राहुल आखिरकार टीम में शामिल क्यों नहीं किए गए हैं, इसको लेकर केएल राहुल ने खुद ही एक मैसेज किया है। दरअसल केएल राहुल ने एक इमोशनल लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने फिटनेस को लेकर बातचीत की है। इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि आखिरकार केएल राहुल ने कहा क्या है, उससे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि दरअसल केएल राहुल को जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से वो जर्मनी गए थे जहां पर उनका सर्जरी हुआ, उसके बाद वापसी की और एनसीए में अभ्यास करने लगे, और उसके बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए उनको सब्जेक्ट टू फिटनेस बताते हुए टीम में शामिल किया गया था। लेकिन फिर कोविड हो गया और उसके बाद जो है उनको वहां पर बाहर होना पड़ा है, और यह बताया जा रहा था कि वेस्टइंडीज के बाद अब जिम्बाब्वे में जो है वही टीम को लीड करेंगे। लेकिन अब शिखर धवन लीड कर रहे हैं, वो नहीं खेल रहे, जबकि आपके चैनल स्पोर्ट्स टॉक ने यानी हमने लगातार यह बात बोला कि यह आनंद फानंद में लिया गया फैसला है वेस्टइंडीज दौरे पर उनको टीम में शामिल करने का, क्योंकि जब वो जर्मनी जा रहे थे तभी हमने यह बात कही थी कि कम से कम जो सर्जरी कराई गई है केएल राहुल की जर्मनी में उसको हील होने में लगभग 3 महीने का वक्त लगता है, और इसीलिए वो जल्दबाजी में टीम में आ गए हैं, लेकिन खेलने की गारंटी नहीं, और वही हुआ भी है जो स्पोर्ट्स टॉक उम्मीद जता रहा था वही होता हुआ नजर आया है। और अब जो है केएल राहुल ने जो मैसेज किया है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले मेरी इंजरी हुई, इंजरी के बाद मैं जर्मनी गया, सर्जरी बड़े अच्छे से हो गया, मैं अच्छा रिकवर भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे कोविड हो गया, फिर 2 सप्ताह तक रिकवरी का जो प्रोसेस था वो बढ़ गया है, इसीलिए मैं बड़ा इस समय अब दुखी हूं कि मुझे टीम में वापस आने का मौका जो था वो अब हाथ से निकल गया, मैं नहीं आ पाया हूं, लेकिन अभी भी लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं और बहुत जल्द आप सबकी दुआओं से मैं फुली फिट हो जाऊंगा और बहुत जल्द टीम के लिए जो है वापसी करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं और मैं लगातार अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा जो है इमोशनल मैसेज केएल राहुल ने अपने फैंस के लिए, तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए उन्होंने दे दिया है। अब यह भी देखना है कि कितनी जल्दी वो फिट हो जाते हैं, क्योंकि अब अगला जो भारत का असाइनमेंट है वो है एशिया कप का, जो कि 27 अगस्त से शुरू होने वाला है और 11 सितंबर तक चलेगा, और उस टाइम पर आपको लगभग वर्ल्ड कप की टीम भी फाइनल करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको टीम का अनाउंसमेंट कर देना वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसे में केएल राहुल का फिट होना जरूरी है, फिट होकर के फॉर्म में आना जरूरी है, और उसके बाद अब देखा जाए अगर एशिया कप में केएल राहुल नहीं आते हैं तो वर्ल्ड कप भी जाना उनका मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब ये जो इमोशनल मैसेज है इसको देखकर के हमें ये लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वक्त और लगेगा केएल राहुल को, लेकिन वो फिट होकर टीम में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं केएल राहुल की वापसी को लेकर, आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।